हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मुंतरा, सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हार्ट, इसको बोलते हैं दोस्तों हृदय, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर पूरी थ्योरी और क्वेश्चन के साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, हृदय क्या होता है, मतलब कि हृदय क्या होता है, कि हृदय का मेन क्या मेन कार्य क्या होता है, कि मतलब कि यह हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करने का कार्य करता है, मतलब रुधिर को पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। और यह शरीर का ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता, अगर जिस दिन इसने विश्राम कर लिया उसके बाद में अपन दूसरी सुबह देख नहीं पाते, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ दोस्तों, जो ये हार्ट होता है हमारा ना, ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक आवरण बना होता है, ठीक है। उस आवरण में, आवरण का क्या कार्य होता है, मतलब कि ये हार्ट की रक्षा करने का कार्य करता है, मतलब बाहरी आघातों से रक्षा करने का कार्य करता है। उस आवरण को क्या बोला जाता है, इस आवरण को बोला जाता है हृदय आवरण या फिर पेरिकार्डियम, ठीक है। ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ गई। और जो ये आवरण होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि एक द्रव भरा होता है, ठीक है। तो वो द्रव का क्या नाम है, उसका पेरिकार्डियल द्रव बोला जाता है उसको, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूड बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, यही मेन चीज़ तो यही होती है, मतलब बाहरी आघातों से बचाने का कार्य ये द्रव ही करता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखिए दोस्तों, इसकी और जो बची हुई थ्योरी है वो क्वेश्चनों के माध्यम से हम पूरी करेंगे। देखिए, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं लेता, तो वो कौन सा है, हृदय, अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसके संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन के संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी किसको बोला जाता है, थॉमस लेविस को, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, थॉमस लेविस को बोला जाता है। और इन्होंने कब की थी इसकी स्थापना, कार्डियोलॉजी की स्थापना कब की थी इन्होंने, 1908 में, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना, 1908 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिए, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो वो किया था दोस्तों C.N. बर्नार्ड ने, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, C.N. बर्नार्ड, मतलब क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। तो अब दोस्तों, जो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे वो साउथ अफ्रीका के थे, यहाँ पे देखिए इनकी फोटो है, ठीक है, ये क्रिश्चियन बर्नार्ड है इनका नाम, और ये साउथ अफ्रीका से थे। इन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, और कब किया था, 1967 में किया था, किसके अंदर किया था, 25 साल की एक फीमेल थी, ठीक है, महिला थी, उनके अंदर किया था, किसका हृदय था, वो 55 साल के एक वृद्ध व्यक्ति का, ठीक है, मेल का, मतलब कि 55 साल के एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनके जो हार्ट था, ठीक है, क्या चीज़, हार्ट, ठीक है, उसको एक 25 साल की युवती के अंदर ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था, वो किया था माइकल डी बैकी ने, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइकल डी बैकी ने, देखिए, और इन्होंने कब किया था, 1966 में किया था, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, मतलब जो कृत्रिम हृदय होता है, मतलब कि आर्टिफिशियल हार्ट होता है, ठीक है, तो उसका प्रयोग सबसे पहले इन्होंने, मतलब कि कहने मतलब इन्होंने उसको डिजाइन किया था सबसे पहले, इस चीज़ को ध्यान में रखना, माइकल डी बैगी, डॉक्टर माइकल डी बैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, वो दर्शाता है हृदय की, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, यहाँ से अच्छे से देख लेना। और ईसीजी क्या होता है दोस्तों, वैसे तो हार्ट बीट तो है ना, जो हम स्टेथोस्कोप से भी जाँच लेते हैं, अगर आपने एक देखा होगा, एक ऐसे गोला सा होता है और इसकी दो टांगे होती है, उसको कानों में लगा के डॉक्टर चेक करता है, ठीक है, इसको लगाते थे कहाँ पे, हार्ट पे, ठीक है, इसको लगा के चेक करता है, इसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। और जो ईसीजी होता है, उसका कार्य क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, किस चीज़ का, हार्ट बीट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, वैसे तो हार्ट बीट तो अपन इससे भी नाप लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, मतलब ग्राफ के अंदर, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोटो में, ठीक है, तो जो ये ग्राफ से दिख रहा है, ठीक है, तो ये ईसीजी होता है, मतलब कि जो ईसीजी का कार्य होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कार्य होता है हार्ट बीट का, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हृदय का क्या काम है, तो हृदय का क्या काम है दोस्तों, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत सारी चीज़ें करती हैं, अओर्टा भी करती है, आर्टरी भी करती है, वेंस भी करती है, ठीक है, ये सभी चीज़ें रुधिर को मतलब कि पंप करने का कार्य करती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और मेन फंक्शन क्या होता है, हार्ट होता है, तो हार्ट का क्या कार्य होता है, रुधिर को पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। देखिए, लाउडो ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो ये किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, हृदय की, ध्यान में रखना,
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय, ठीक है, मतलब कि हार्ट की होती है, लव डव ध्वनि है ना जो हार्ट के अंदर पैदा होती है, ठीक है, और किसकी वजह से होती है, ये होती है दोस्तों जो वाल्व होते हैं हृदय के अंदर, बहुत सारे वाल्व लगे होते हैं, छोटे छोटे वाल्व होते हैं, मतलब कि चार टाइप के वाल्व होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, चार टाइप के वाल्व होते हैं, ठीक है, तो चार टाइप के वाल्व होते हैं, ठीक है, उनके जो आपस में, वो आपस में बंद होते हैं, ठीक है, सपोज इधर से ब्लड फ्लो किया, ये है कोई नस है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड फ्लो किया यहाँ से, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि वाल्व लगा होता है, ठीक है, अभी यहाँ से देखिए प्रेशर मारा तो ये वाल्व ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ब्लड को आगे जाते ही ये वापस सीधे हो जाएगा, ठीक है, अभी सीधा होने के बाद में मतलब कि ब्लड वापस इसमें बैक नहीं हो पाता, ठीक है, तो ये जो वाल्व होते हैं इनमें से जब जैसे ही ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, तो उससे लव डव की ध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, तो किसकी वजह से होती है, वाल्व के बंद और चालू होने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में होती है, वो हृदय में होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। मनुष्य के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने में, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, वह तो 72 बार धड़कता है वैसे तो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, एक मिनट में, बस सॉरी, एक बार 0.8 सेकंड में धड़कता है, ठीक है, एक बार। सामान्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, तो वो कितना होता है, व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, 300 ग्राम के आसपास होता है, जिसके अंदर 300 ग्राम तो मेल में होता है, ठीक है, और जो फीमेल में होता है वो कितना होता है, 250 ग्राम, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जो इसकी लेंथ और विड्थ होती है, कहना मतलब लंबाई चौड़ाई की कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ कितनी होती है इसकी, 12 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ कितनी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है, वो होती है 4 होती है, ठीक है, अब उनका नाम क्या है, राइट आट्रियम, लेफ्ट आट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिशल और राइट वेंट्रिसल, ठीक है, अब देखिए इनको क्या बोला जाता है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, देखिए ये तो हो गया, पहला तो हो गया दायां आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद, नीचे वाले हो गए दायां नीलय और ये हो गया बायां नीलय, ठीक है, तो नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, नीचे वाले जो चैम्बर है उनको, दोनों को क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल, मतलब कि, अब वेंट्रिकल का मतलब कि नीलय, ठीक है, और जो ऊपर वाले चैम्बर है उनको बोला जाता है आर्ट्रियम, आर्ट्रियम का मतलब कि आलिंद, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोला जाता है, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोला जाता है, जो नीचे के कक्ष होते हैं, ठीक है, चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर वाले राइट और लेफ्ट आर्टरीम होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो एक होता है पल्मोनरी वाल्व, दूसरा होता है मिट्रियल वाल्व, तीसरा होता है ट्राई कुस्पिड वाल्व और चौथा होता है aortic wall, ठीक है, अभी इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, जो पहला है पल्मोनरी वॉल्व इसको बोला जाता है फुफ्फुसीय कपाट, ठीक है, जो दूसरा होता है मिट्रियल वॉल्व इसको मिट्रियल वॉल्व मिट्रियल कपाट बोला जाता है, ठीक है, या फिर इसको बाई कुस्पिड वॉल्व भी बोला जाता है, मतलब कि द्युदली कपाट, ठीक है, और ये होता है ट्राई, ये होता है बाई कुस्पिड वॉल्व और ये होता है ट्राई कुस्पिड वॉल्व, अभी ट्राई कुस्पिड वॉल्व होता है इसको क्या बोला जाता है, त्रिदली कपाट बोला जाता है, और जो फोर्थ नंबर का होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है महाधमनी कपाट, मतलब कि aortic वॉल्व, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, 4 टाइप के वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए अभी वॉल्व क्या कार्य करते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया कि ब्लड को वापस मतलब जिस साइड से आ रहा है उस साइड वापस जाने से रोकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर लेफ्ट से राइट आ रहा है तो मतलब कि लेफ्ट को जाने से रोकता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, सपोज ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अंदर देखिए सपोज यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये कपाट बीच में ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर एक बार ब्लड इनको पार कर गया तो वापस ही ब्लड को वापस आने से रोकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, 70 से 80 बार प्रति मिनट, 70 से 80 बार, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है, तो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, आप लोग सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय से कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, तो कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, ये लगभग 1 लाख बार, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 1 लाख बार ये कपाट बंद खुलते और बंद होते हैं जब मतलब कि ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है, तो मनुष्यों में रक्तचाप कितना होता है,
120 से 80 mmHg, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, mmHg और होता है। mmHg का मतलब आप लोगों को कभी पता है क्या दोस्तों, कभी आपने पढ़ा होगा mmHg का मतलब पता है कि क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इतने मिलीलीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर। कहने मतलब जो इतना mmHg पारा होता है, ठीक है, इतना mm पारा होता है, उसके जो दाब होता है, उससे उत्पन्न जो दाब होता है उसके बराबर अपना ब्लड प्रेशर है, उसके बराबर दाब, उसके बराबर जो दाब है उसके बराबर अपना ब्लड प्रेशर का दाब है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, इसलिए इसको mmHg लिखा जाता है, ठीक है। और रुधिर दाब को सर्वप्रथम एस हेल्स ने, ठीक है, एस हेल्स ने किस में मापा था? घोड़े में, किस में? हॉर्स में, हॉर्स में मापा था, ठीक है। एच हेल्स वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने डॉक्टर थे कोई, तो उन्होंने घोड़े के अंदर सबसे पहले ये मापा था, ठीक है। क्या चीज़? रक्तचाप। इस चीज़ को ध्यान में रखना, और कब मापा था? 1733 में। इस चीज़ को और भी ध्यान में रख लेना। तो एच हेल्थ से, हेल्थ से तो हॉर्स हो गया, ठीक है, तो घोड़े के अंदर इन्होंने सबसे पहले मापा था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? तो किसकी भित्तियों पर डाला गया रक्त दाब, जो डाला गया दबाव है उसको रक्त दाब कहा जाता है? तो वो होता है किस चीज़ की? ये होता है धमनियों की, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, धमनियों की। इसको बोला जाता है आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये आर्टरीज, ठीक है, तो आर्टरीज की जो भित्तियाँ होती है, मतलब कि अंदर की दीवार होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है रक्त के द्वारा, ठीक है, उसी चीज़ को रक्त दाब कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको, ठीक है, तो धमनियों के ऊपर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ये करता है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रेनलिन ग्रंथि, ठीक है, एड्रेनलिन ग्रंथि। अब देखिए दोस्तों, जो एड्रेनलिन ग्रंथि होती है उसके भी दो भाग होते हैं, एक तो होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रेनल मेडुला, ठीक है। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, जो इसका बाहरी आवरण होता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, जो इसका आंतरिक भाग होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो ये आंतरिक भाग होता है, इसको मेडुला बोला जाता है, मतलब एड्रिनल मेडुला बोला जाता है। ये ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है किडनी के ऊपर। देखिए किडनी के ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटी सी, तो किडनी, दोनों किडनियाँ होती है ना, लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो दोनों के ऊपर पाई जाती है पीछे की साइड, किडनियों के जस्ट ऊपर की साइड से थोड़ा सा पीछे की साइड, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जो ये इन दोनों से मतलब कि हार्मोन्स कौन कौन से स्रावित होते हैं? जो एड्रेनल कॉर्टेक्स भाग होता है, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, उससे हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? उसे होता है एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल और एक एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है, तीन टाइप के हार्मोन इससे स्रावित होते हैं, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। जो एड्रेनल मेडुला होता है उससे भी दो हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो इपिनेफ्रिन होता है और एक होता है नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक है, दो हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। कहने मतलब जो एड्रेनलिन हार्मोनल होता है, ठीक है, वो एड्रेनलिन एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। उसको बोला जाता है फाइट फ्लाइट वाला, अगर आपने लूडो, लड़ो और उड़ो, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है ना जिसका नाम, तो उसको वो कर कौन करता है, उसको स्रावित कौन करता है? एड्रिनल मेडुला करता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? एड्रिनलिन हार्मोन होता है, फाइट एंड फ्लाइट वाला, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है थायरोक्सिन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, ये इसको T4 भी बोला जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है ये, ठीक है, और दूसरा होता है एक एड्रेनल हार्मोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन की गति को निम्नलिखित में से किस से बढ़ती है? तो किस चीज़ से बढ़ती है? वो बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका से, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी तंत्रिका को क्या बोला जाता है? सिंपैथेटिक कार्डिक नर्व, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये क्या कार्य करती है? ये इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करने का कार्य करती है, ठीक है, और इसको संकुचन करने का भी कार्य करती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो अशुद्ध रक्त किसके थ्रू आता है? तो अशुद्ध रक्त आता है फेफड़े की धमनियों के थ्रू, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी, इस चीज़ को ध्यान में रखना, पल्मोनरी आर्टरी, फेफड़े की धमनियाँ, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़े की धमनियाँ। अब दोस्तों, ये फेफड़े की धमनियाँ क्या करती है कि मतलब कि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब कि जो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये मिली होती है, ठीक है, तो उसको मतलब कि अशुद्ध ब्लड को, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो अशुद्ध ब्लड होता है उसको भेजने का कार्य करती है, ठीक है, लंग्स तक भेजने का कार्य करती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फेफड़ों से हृदय में, ठीक है, हार्ट से, सॉरी लंग्स से हार्ट में, तो लंग्स से हार्ट में कौन सी लाती है? पल्मोनरी वेन लाती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। पल्मोनरी वेन को क्या, वेन को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको जो बोला जाता है फुफ्फुस सिराएं, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्मोनरी वेन को। अब ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, मतलब कि जो शुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, ठीक है, उसको ये लंग्स से कहाँ तक लाने का कार्य करता है? हृदय तक लाने का कार्य करता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? फेफड़े से हृदय के लिए, तो फेफड़े से हृदय के लिए कौन सी होती है? वो होती है फुफ्फुस सिरा, ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली वाहिका को क्या बोला जाता है? फुफ्फुस सिरा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाता है? मतलब कि जो विभिन्न भाग हैं मानव शरीर के, विभिन्न भाग हैं उनसे हृदय तक लाने का कार्य कौन सा करता है, क्या चीज़ करती है? तो वो क्या करती है? सिराएं करती है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिराएं, या फिर उसको नसें बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको वेंस, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, तो वेंस काम करती है, और इनमें प्रेशर कम होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, जो वेंस में जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर प्रेशर कम होता है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर लो होता है, ठीक है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना, और उसके अंदर क्या मिला होता है? CO2 वगैरह मिली होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है, ठीक है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों से मिलकर निकल के आती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, तो मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त कहाँ से प्राप्त करता है? रक्त कैसा रक्त प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है अशुद्ध रक्त, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध रक्त, दाहिना भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, ठीक है, और वो कहाँ से प्राप्त करता है? अपने शरीर के अंगों से प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो कौन से अंग से संबंधित है पेसमेकर? पेसमेकर हृदय से संबंधित है, ठीक है। अब पेसमेकर क्या होता है दोस्तों? मतलब कि दिल की धड़कन का प्रारंभ करने का यंत्र होता है, मतलब पल्स जनरेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है, ये इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। इसको देखिए यहाँ पे हार्ट, हार्ट के अंदर इसको, इसके जो ये आगे की जो इसकी नलियाँ होती है, ठीक है, उसको हार्ट के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, और ये इसको बाहर, इसको जो हमारी चमड़ी होती है शरीर की, ठीक है, उसके पीछे इसको स्थापित कर दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। ये होता है आर्टिफिशियल हार्ट पेसमेकर है, ठीक है, ये क्या काम करता है? पल्स जनरेट का कार्य करता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसको किसको कहा जाता है? एस ए नोड को, ठीक है, तो एस ए नोड, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस ए नोड, ठीक है। अब एस ए नोड को बोला जाता है सोनेट्रियल नोड, ठीक है, सिनोट्रियल नोड नोड बोला जाता है। अब सिनो एट्रियल नोड को का हिंदी में क्या बोला जाता है? सिरा आलिंद नोड, ठीक है, और ये दाएं आलिंद के ऊपरी भाग में स्थित होती है, जो दाएं आलिंद होता है, राइट आइट्रियम होता है, ठीक है। इसके देखिए यहाँ पे अगर आपको राइट आइट्रियम एट्रियम दिख रहा होगा यहाँ से, तो ये दाया आलिंद होता है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा है ये आकार, तो यहाँ पे ये एस ए नोड होती है, कौन सी होती है? एस ए नोड होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ये इसको क्या बोला जाता है? ये पेसमेकर ऐसा होता है, मतलब कि ये प्रारंभिक पेसमेकर, कहने का मतलब है कि नेचुरल पेसमेकर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। मानव हृदय बंद होता है, तो मानव हृदय बंद होता है किसके अंदर होता है? हृदयावरण में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हृदयावरण में, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जो हृदयावरण होता है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम बोला जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, पेरिकार्डियम, ये जो चारों तरफ का ये आवरण है इसको पेरिकार्डियम बोला जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो किसकी तरफ जाता है दोस्तों? वो जाता है महाधमनी की तरफ, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, महाधमनी, aorta बोलते हैं उसको, ठीक है, और ये क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है, कहने मतलब शरीर की सबसे बड़ी
महाद मतलब सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ये क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। तो मतलब कि जो बायां नीला होता है उससे ये शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ऑक्सीजनेटेड मतलब कि शुद्ध रक्त को, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, वो किया जाता है एस्पिरिन की वजह से, ठीक है, एस्पिरिन की मदद से। एस्पिरिन को क्या कार्य करता है, मतलब जैसे अगर सपोज किसी इंसान को दिल का दौरा या फिर दर्द, बुखार, हृदय गति रुकना या फिर हृदय हृदयाघात का खतरा होता है, तो उसके अंदर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये प्रभाव को कम कर देता है, मतलब जो अगर दर्द हो रहा है तो उसको कम कर देता है, बुखार आ रहा है तो उसको कम कर देता है, दिल का दौरा पड़ रहा है तो उसको भी कम कर देता है, ठीक है। तो एस्पिरिन को यूज किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा किसके कारण से होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण से, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, अओर्टा, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो महाधमनी, ठीक है, जिसको बोला जाता है अओर्टा, और ये सबसे बड़ी महाधमनी होती है, और ये क्या कार्य करती है, शुद्ध रक्त को शरीर तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और कहाँ से लाती है ये लाती है बाएं नीले से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, इसको बाएं नीला बोला जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना सा ही था। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।